हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर फाइव द हैन। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इसका प्लॉट आपको समझा देती हूँ। इस चैप्टर में हमें फाइव कैरेक्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हैं मिसेस सैंग्रेन, जो यहाँ की घर की ओनर हैं। उनका एक बेटा है क्लोवेस, ठीक है। उनका एक नौकर है स्टरिज, जो कि उनके यहाँ काफ़ी सालों से काम करता है और ज़्यादातर उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को जानता है। और उनके यहाँ एक गेस्ट आई हुई हैं, जेन मार्लेट। जी हाँ, जेन मार्लेट एक गेस्ट हैं जो कि यहाँ आई हुई हैं, जिनको भगाने का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अनदर गेस्ट जो कि होंगी डोरा, वो आने वाली हैं। तो डोरा इज़ अबाउट टू कम। और ये जो क्लोविस है, मिसेस सेंग्रेल का बेटा, ये चाह रहा है कि उसके आने से पहले जेन मार्लेट वहाँ से चली जाए, क्योंकि ये जेलेबल नहीं है। सी, आपके या मेरे घर में भी हो, अगर गेस्ट नॉन स्टॉप आते रहे तो हम बहुत बोर फील करते हैं, हम अपनी लिबर्टी महसूस नहीं कर पाते, उनकी आवभगत में ही रह जाते हैं। तो अनजेलेबल से गेस्ट हैं जिनको भगाने का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये था स्टोरी का प्लॉट, आइए स्टार्ट करते हैं। मिसेस सैंग्रेन हैज़ अ ट्रबलसम गेस्ट एट हर हाउस। उनके घर में एक परेशान करने वाली नॉन झेलेबल गेस्ट आई हुई हैं। अनदर गेस्ट इज, और दूसरी गेस्ट आने वाली हैं। हर कैन हर सन क्लोविस, क्या उनका बेटा क्लोविस इन ट्रबलसम गेस्ट, परेशान से गेस्ट जो मैडम हैं यहाँ पे जेन मार्लेट, उनको कन्विंस कर पाएगा, मना पाएगा कि वो वहाँ से, उनके घर से चली जाए बिना अपनी मम्मी की नॉलेज के। तो वो कोई ऐसा सा सीन क्रिएट करेगा जिससे कि कोशिश करेगा कि जेन मार्लेट वहाँ से रफू चक्कर हो जाए, इससे पहले कि दूसरी गेस्ट डोरा आ जाए, क्योंकि दोनों एंटी पार्टीज़ भी हैं। और ये एक्सट्रैक्ट हमें लिया गया है हैन चैप्टर से, जो कि साकी ने लिखा है, और इसमें हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। दिस नेक्स्ट थर्सडे, आस्क क्लोविस, अगले बृहस्पतिवार को आने वाली है। तो मम्मी ने नॉडेड, यानी कि गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यू विल हैव रेदर डन इट, हैवंट यू। ही चकल, आपको इससे पहले ही इन्हें निपटा देना चाहिए था, क्या ये सही नहीं है? तो क्लोविस ने चिड़चिड़ाते हुए मम्मी से कहा, जेन मार्लेट हैज़ ओनली बीन हेयर फॉर 5 डेज। मम्मी ने कहा, बेटा अभी खाली 5 दिन ही तो हुए हैं आए हुए, और कम से कम वो 15 दिन, यानी कि 2 हफ्तों से पहले जाती नहीं है। अब तू कह रहा है कि इन्हें पहले भगा दो उनके आने से पहले। यू विल नेवर हैव हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे। कोई भी किसी भी हालत में हम इन्हें थर्सडे से पहले नहीं भगा सकते बेटा, ये नहीं जाने वाली, 15 दिन के प्रोग्राम से आती, 5 ही दिन तो हुए हैं बेटा। वाई शुड आई आस्क मिसेस सैंग्रेल, और मैं इन्हें भगाऊँ भी क्यों बेटा? ऐसे नहीं कहते मिसेस मार्ग्रेट, सॉरी मिसेस जेन मार्ग्रेट और डोरा, वैसे ही आपको पता है कितनी अच्छी सहेलियाँ हैं, नहीं क्या? और वो किसी ज़माने में तो बहुत अच्छी सहेलियाँ हुआ करती थी। तो बेटा कहता है, हाँ हाँ, दे यूज़ टू बी, मम्मी किसी ज़माने में हुआ करती थी, दैट्स व्हाट्स मेक देम ऑल द मोर बिटर नाउ। और अब वो इतनी ही बिटर, यानी कि कड़वाहट आ गई है दोनों के बीच में। मम्मी किसी ज़माने में सहेली होती थी, अब एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे की इतनी दोष दुश्मन बन गई? मम्मी ने बेटे से कहा। नॉट एग्जैक्टली, सेड क्लोविस, अ हैन केम बिटवीन। मम्मी, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुई, दोनों के बीच में एक मुर्गी आ गई। मुर्गी, क्या कह रहा है बेटा? हाँ मम्मी, एक ब्रॉन्ज लेगॉन थी, यानी कि एक ये वराइटी है, बढ़िया एकदम ब्रीड की, ब्रीड है हैन की, वो फॉरन की ब्रीड थी मम्मी, एग्जॉटिक ब्रीड थी, फॉरेन की ओरिजिन की, और डोरा ने ना जेन को बेच दी। डोरा जो आने वाली है ना, उसने जेन को बेच दी, रादर एग्जॉटिक प्राइस, और बढ़िया सी कीमत पे जेन को बेच दी। और जेन ने सोचा कि शी वॉज़ गोइंग टू गेट हर मनी बैक इन द लार्ज फैमिली ऑफ पेडिग्री चिकन्स की, वो उसने कहा, उसने ख़रीद भी ली जेन ने, उसने सोचा कि मैं इसके अंडों को बेचकर खूब पैसा कमाऊंगी, क्योंकि बढ़िया वैरायटी की है, तो इसके अंडे से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी से मैं और मुर्गी बनाऊंगी, या अंडे ही बेचूंगी, तो मैं इस तरीके के पेडिग्री चिकन से खूब पैसा कमा लूँगी। तो उसने महंगे में वो खरीद ली थी। तो किसने बेची थी? डोरा ने बेची थी, जो आने वाली है जेन को। दिस बर्ड टर्नड आउट टू बी एब्सट्रिनर, लेकिन ये बर्ड जो थी वो निकली एक वैसी बर्ड जिसके कभी अंडा ही नहीं हो सकता। ओहो, और अब जब अंडा ही नहीं हो सकता तो वो तो लुट गई भैया, इतनी महंगी खरीद ली। तो मिसेस सैंग्रेल कहती, क्या क्या, हाउ रिडिकुलस, क्या बचकानी बात कर रहे हो, इतनी महंगी मुर्गी खरीदी और वो भी किसी बेकार के काम के लिए, कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका, इट इज़ एन ऑकवर्ड सिचुएशन, तो बड़ी घटिया सिचुएशन है। डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू वन अनदर, अरे बेटा अब तो लगता है उससे बात भी नहीं करेंगी। ऑन द कंट्री मीन्स, इसके विपरीत, द डिफ़िकल्टी विल बी टू गेट दैम टू लीव ऑफ। मम्मी,
वो बात तो सही है, लेकिन वो बात करेंगे नहीं, लेकिन अगर बात छिड़ गई तो भैंस इतनी करेंगी, मम्मी कैसे चुप करोगी, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखें। आई कांट पुट डोरा ऑफ, बेटा मैं डोरा को मना नहीं कर सकती आने से, तू समझ मेरी बात, मैंने पहले ही डोरा की विज़िट पोस्टपोन करा दी थी, वो आने वाली थी, वो वैसे ही अपनी विज़िट कभी पोस्टपोन नहीं करती, लेकिन किसी तरह मिरेकल हो गया और वो अपनी विज़िट जो है पोस्टपोन करती। अब तो कोई जादू मिरेकल ही है जो डोरा को यहाँ आने से रोक सकता है और जेन को जाने से, क्योंकि जेन तो कम से कम 15 दिनों के हिसाब किताब से यहाँ आती है और अभी तो बेटा 5 ही दिन हुए हैं। लेट मी ट्राई माई बेस्ट क्लोविस। तो ये सीन वन यहाँ ख़त्म होता है। क्लोविस ने कहा चलो मैं कुछ अपना आइडिया अपनाता हूँ, इसे रफू चक्कर करता हूँ डोरा मैडम के आने से पहले। तो अब वो एक सीन सा क्रिएट करता है, याद रखना ये सीन क्रिएट कर रहा है क्लोविस मिसेस जेन के आगे, जिससे कि जेन थोड़ी सी घबरा जाए और यहाँ से फुट लें इससे पहले कि डोरा आए। तो कुछ उनको डराने की कोशिश करता है, तो वो एक सीन क्रिएट करता है मर्डर का। तो वो कहता है, क्लोविस कहता है आंटी आजकल ये जो नौकर है ना एक सिरदर्दी बन के रह गए हैं। तो कहती है आई डोंट सी व्हाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ। जेन कहती है बेटा किस बारे में कह रहा है तू, तुम्हारी मदर तो सबसे लकी हैं क्योंकि उनके इतने बढ़िया से नौकर हैं, और उस स्टरेज की तो बात ही क्या है, स्टरेज की तो बात ही क्या है, तुम्हारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है भाई सब, किसी बात की तुम्हें चिंता ही नहीं होती। वो कहता है आंटी वही तो दिक्कत की बात है स्टरेज। तो कहती क्या, इट्स वेन सर्वेंट्स हैव बीन विद यू फॉर ईयर्स, वो ऐसा सर्वेंट जो आपके साथ कई सालों तक रह चुका आंटी वो दिक्कत की बात बन जाता है। तो जेन थोड़ी सी घबरा जाती है, कहते बेटा क्या कह रहा है तू। इट वॉज स्टरेज, आई वॉज पर्टिकुलरली थिंकिंग ऑफ वैन आई मेड द ऑब्जर्वेशन अबाउट सर्वेंट्स बींग अनोइजन। आंटी ये जब सर्वेंट एक सरदर्दी बन जाते हैं तो मैं आपको पता है मैं किसकी, मैं स्टरेज की तरफ बात कर रहा हूँ। दैट्स द एक्सीलेंट स्टरेज अनोइसेंस, वो बहुत बेहतरीन किस्म का नौकर स्टरेज एक सरदर्दी बन गया है, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकती। क्या कह रहे हो बेटा, जेन ने कहा। आई नो ही इज़ एक्सीलेंट, क्लोविस बोलता है हाँ आंटी मैं जानता हूँ बढ़िया है वो, बट ही कुडंट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम एंड हम उसके बगैर काम नहीं चला सकते, बट हिज ऑर्डरलीनेस, लेकिन वो जो ऑर्डरलीनेस मीन्स जो अजीब तरीके से वो काम करने लगा है ना, हैबिट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज, उसको जो चीज़ों को तरीके से रखने की और डिसिप्लिन वजह से काम करने की तरीका है ना आंटी, बस अब पूछो मत। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट मैनर इन द सेम सराउंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने कभी सोचा भी है हर एक ही चीज़ को हर रोज़ करना, सही तरीके से करना, बहुत समय तक करना कैसा महसूस करता है। और जेन को ना कंफ्यूज कर दिया उसने, तो कह रही अरे पापा मैं तो पागल हो जाऊंगी। हाँ आंटी सही कहा, पागल बिल्कुल सही कहा, स्टरेज भी हो गया आंटी, पागल हो गया है वो। क्या बेटा पागल हो गया है, क्या कह रहे हो। ऑन मोस्ट पॉइंट्स ही थॉरली सेन एंड रिलायबल, सेट क्लोविस। हाँ किसी किसी जगह पर वो बिल्कुल सेंसिबल है, रिलायबल है, बट एट टाइम्स, लेकिन आंटी अक्सर ना वो स्टबर्न हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, और उसकी बिलीव्स ना बस पूछो मत। एंड ऑन ओकेजन्स ही बिकम नॉट मियरली अनोइसेंस बट सच एम्बेरसमेंट, और किसी किसी समय ना वो ऐसी दिक्कत बन जाता है हमारे लिए। वट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन्स, किस तरीके की डिल्यूजन्स की बात कर रहे हो बेटा। अनफॉर्चुनेटली दे आर यूजली सेंटर अराउंड वन ऑफ द गेस्ट ऑफ द हाउस पार्टी। आंटी वो किसी के भी ना हमारे घर में जो गेस्ट आता है ना किसी भी गेस्ट के पीछे पड़ जाता है। यू डोंट मीन टू से ही माइट बी डेंजरस, क्या बेटा पीछे पड़ जाता है, जेन कहती है वो खतरनाक तो नहीं है ना। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी से कहती है बेटा खतरनाक भी हो जाता है क्या वो। वन कैन नेवर बी सर्टेन, अंकल कहता आंटी कुछ श्योर नहीं हूँ मैं, सर्टेन माने मैं छोटी से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है। नाउ एंड देन ही गेट सम आइडिया अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, कह रहा है वो अपने मन में ना कुछ थॉट बना लेता है किसी गेस्ट के बारे में और पता नहीं फिर वो क्या करेगा। दैट इज़ प्रिसाइजली वॉट इज़ वरिंग मी एट द प्रेजेंट मोमेंट, और यही बात है जो मुझे चिंता के विषय बना हुआ है आंटी, पता नहीं वो किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेता है। वॉट हैज़ ही टेकन अ फैंसी अबाउट समवन हियर नाउ, अब वो किसी के बारे में उसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या बेटा, जेन ने बोला। डू टेल मी हु इट इज़, बताओ ना किसके बारे में सोच रहा है आजकल वो इस तरीके से, किसके बारे में दिमाग में उसकी क्या चल रहा है। तो क्लोविस ने कहा आंटी आपके बारे में सोच रहा है आजकल वो। मी, मेरे बारे में बेटा,
क्लोविस ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम? उसे क्या लगता है बेटा मैं कौन हूँ, मुझे किससे रिलेट कर रहा है? उसने कहा, आंटी, क्वीन एनी, क्वीन एनी समझता है आपको आजकल वो? क्वीन एनी क्या आइडिया है बेटा, बट एनी हाउ देर इज़ नथिंग डेंजरस अबाउट हर। लेकिन बेटा उनके बारे में तो कोई ख़तरनाक बात नहीं है, वो तो बढ़िया पर्सनैलिटी है बेटा। हाँ, देर इज़ द ओनली वन थिंग आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज़ सेइंग क्वीन एनी इज़ डेड। हाँ आंटी, मैंने बस एक बात सुनी है मैंने कि क्वीन एनी तो मर चुकी है। एग्जैक्टली सेड क्लोविस, डेड। हाँ आंटी, डेड। तो आंटी कहती है, बेटा एनी के बारे में तो कोई ख़तरनाक बात नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बट हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो अब शायद मर गई हैं। तो क्लोविस कहता है, आंटी, डेड, डेड, समझ रही हो ना आप, डेड। तो जेन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, वो मुझे क्वीन एनी का भूत समझ रहा है? आंटी, भूत वूत नहीं, घोस्ट डियर। नो, नो वन एवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट बींग सो मच अलाइव एंड फ्लरिशिंग। बेटा किसी ने घोस्ट को मेरी तरह देखा है क्या, इतना अलाइव और इतना फ्लरिशिंग? ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन एक्स्टम टू लुक ऑन क्वीन एनी एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एवरी थिंग दैट इज डेड एंड डाउन एंड डन विद एज डेड एज क्वीन एनी, यू नो, एंड नाउ ही हैज़ टू लिसन टू योर टॉक्स of the merrily time and you had at Dublin horse show and naturally he feels that something's very wrong with you. तो उसने कहा कि क्वीन एनी जो थी वो पर्सोनिफिकेशन बन चुकी है ऑफ एवरीथिंग डेथ इज डेड एंड डन से, हर किसी मरे हुए की तो वो एज पर्सोनिफाई करता है एज डेड एज क्वीन एनी, और एंड नाउ ही हैज़ टू लिसन टू योर टॉक्स ऑफ मेनी टाइम्स, और वो आपकी बातें सुनता है आपके खुशी वाले समय की, आपके डबलिन हॉर्स शो की, एंड नेचुरली ही फील्स दैट समथिंग्स वेरी रॉन्ग फॉर यू, और आपके बारे में वो कुछ गलत सोचता है। बट लेकिन बेटा वो मेरे बारे में कुछ अजीब क्या सोचता है बेटा, क्या मतलब है? आई डिडंट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे, ए सेड क्लोविस। आंटी मैंने भी ऐसे नहीं सोचा था, बट आज लंच के समय में ना बस आई कॉट हिम ग्लोरिंग एट यू, मैंने देखा आज लंच के समय ना आपको घूर घूर के देख रहा था एंड मटरिंग और कुछ बड़बड़ा रहा था, ऑट टू बी डेड लॉन्ग, वो आपको देखे कहता था इन्हें तो कई सालों पहले लुढ़क जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, दैट्स वाई। मैंने आंटी इसलिए आपको बताना ठीक समझा क्योंकि आज वैसे ना वैसे तो कोई खतरे की बात है नहीं आंटी, और वो ना बस आज आपको देख के बड़बड़ा रहा था कि इन्हें तो कई सालों पहले मर जाना चाहिए था। आंटी मुझे तो थोड़ा डर सा लग रहा है, तो एक सीन सा क्रिएट कर दिया, आंटी पूरी डर चुकी हैं। दैट्स ऑफुल, योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट, अपनी मम्मी को बताओ बेटा जाकर, ये तो मदर मस्टन्ट फियर हियर अ वर्ड अबाउट आंटी, मम्मी कुछ नहीं सुनने की उनके बारे में, स्टरेज के बारे में, क्लोविस ने कहा। इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली, और वो परेशान हो जाएंगी, शी रिलाइज ऑन स्टरेज फॉर एवरीथिंग, वो हर किसी चीज़ के लिए ना स्टरेज पर विश्वास करती हैं, बट ही माइट किल मी एट मेनी मोमेंट। जेलने का बेटा, पर वो मुझे मार सकता है, वो कहीं सोचे मैं तो मरी हुई हूँ, जिंदा क्या कर रही हूँ, मुझे मार देगा? नॉट एट एनी मोमेंट्स ही इज़ बिजी विद द सिल्वर ऑल द आफ्टरनून। आंटी वो आंटी घबराओ नहीं, मारेगा नहीं, वो पूरे दिन तो अपनी सिल्वर कटलरी को साफ़ करने में बिजी रहता है। यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड सेड जेन। बेटा ज़रा अपना चौकन्ने रहना और मुझे ना मेरी प्रोटेक्शन कर देना ना, इट्स ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी इन विद मैड बटलर अराउंड यू। कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि मैड बटलर आपके चारों तरफ घूम रहा हो और आप वहाँ पर रह रहे हो, तो डर तो चुकी है, बट आई एम सर्टेनली, लेकिन बेटा मैं ना जाने वाली नहीं हूँ, भले ही मैं थोड़ी चौकन्नी रहूँ लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ। अब क्लोविस कहता है, भाई यार इतना तो डरा दिया, फिर भी कह रही है मैं जाने वाली नहीं हूँ, आऊँगी यहीं। इट वॉज इन अ हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट दैट क्लोविस हैड हिज फाइनल इंस्पिरेशन एज द स्टूड रिमूविंग रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम एन ओवर ओल्ड पुटर। अब भाई अगले दिन नाश्ते के बाद की बात है, क्लोविस जो था उसकी एक फाइनली एक उसके पास इच्छा जागी, जब वो एक ओल्ड पुटर यानी कि एक ओल्ड स्टिक और क्लब यूज टू हिट एक गोल्फ बॉल वाली स्टिक के ऊपर से ना जंग हटा रहा था। वेयर इज मिस मॉलेट, ही आस्क्ड स्टरिज। उसने कहा, मिस मॉलेट कहाँ है? स्टरिज से पूछा, हु वॉज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल, जो उस समय वहाँ से हॉल से गुजर ही रहा था। राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम, सेड स्टरिज। स्टरिज ने कहा, अपने रूम में जाकर अपने रूम में सुबह वाले खत लिख रही हैं। शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन दैट ओल्ड बास्केट हेटल्ड सैबरे। उसने कहा कि जो सॉर्ड है ना
बास्केट शेप की स्वॉर्ड है गार्ड टू प्रोटेक्ट द हैंड, उसके ऊपर जो मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखी हुई है उसे कॉपी करना चाहती हैं, क्लोविस ने कहा। पॉइंटिंग टू द स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल, उसने क्या करा क्लोविस ने, एक वॉल की तरफ एक एक तलवार निकली लकी टंगी हुई थी, उसने कहा इस पे जो इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्ट हुआ हुआ है उसको वो उतारना चाहती हैं, कॉपी करना चाहती हैं। तो आई विश यू टेक इट टू हर, तुम इसे ऐसा करो उसके पास ले जाओ। तो स्टरिज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो स्टरिज उसके पास तलवार लेके चला जाता है ऑल ओवर इन ऑयल। मेरे हाथ तो अभी गंदे हैं, तुम ले जाओ। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, तुम ले जाओ। टेक इट विदाउट द शीत, इट विल बी लेस ट्रबल। हाँ, उसे ना उसकी मियान में से निकाल लेना। सोचो आप वैसे किसी बंदे से डरे हुए हो, आप रूम में बैठे हुए हो और एकदम कोई वही बंदा आपके सामने एक नंगी तलवार लेकर आ जाए और चमकती हुई तलवार देकर आपके मन में क्या विचार आएगा कि आप ये आपको मारने वाला है। तो द बटलर ड्र्यू द स्वॉर्ड, और उसने स्टरिज ने ऐसे ही किया, वो उसने स्वॉर्ड यानी कि तलवार निकाली और आंटी के रूम में ले गया। ठीक है, देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू द बैक स्टेयर्स, जेन वैनिश थ्रू इट। और जैसे ही जेन ने देखा कि वो एक नंगी तलवार लेकर उसके सामने आ गया, वो पीछे वाले रास्ते से भाग गई और जल्दी से वो वैनिश थ्रू इट विद सच लाइटिंग रैपिडली दैट द बटलर डाउटेड वेदर शी हैड सीन हिम इन द इन कम इन। फिर वो उसे लगा कि इतनी चलाकी से वो कैसे भागी, पता नहीं उसने उसे आते हुए देखा नहीं या देखा। और आधे घंटे के अंदर की बात है, क्लोविस का प्लान जो है वो काम कर गया। क्लोविस उसको ले करके जेन मार्लेट को जल्दी से पैक करे हुए लगे यानी कि सामान के साथ स्टेशन छोड़ने जा रहा है। मदर वो भी ऑफली वेक्स्ड, मदर जो है वो बड़ी सरप्राइज हो गई, गुस्सा भी हो गई। व्हेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन ही ऑब्जर्व्ड एट द डिपार्टिंग गेस्ट, जब उसने जाते हुए गेस्ट से मार्लेट से कहा, बट आई विल मेक अप सम स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे। लेकिन आंटी चिंता मत करो, मैं एक ना मम्मी को एक स्टोरी बना के बता दूंगा कि आपकी एक अर्जेंट कॉल आई थी। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरली अबाउट स्टरिज, और स्टरिज के बारे में उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेन स्निफ्ड स्लाइटली एट क्लोविस आइडियाज ऑफ अननेसेसरी अलार्म, और जेन को भी लगा हाँ ये ठीक ही कह रहा है। हाउएवर क्लोविस एफर्ट्स प्रूव्ड यूजलेस, लेकिन पता क्या होता है, वो उसे भगा तो देता है लेकिन जो क्लोविस ने जो इतनी मेहनत करी वो भी सब बेकार जाता है, क्योंकि जो वो आने वाली थी ना डोरा, वो उनका लेटर आता है कि वो अपनी विजिट जो है पोस्टपोन कर रही हैं, वो भी आ ही नहीं रही। और उन्होंने जो है मार्लेट को इतना डरा डरू के भगा भी दिया, लेकिन जो आने वाली थी जिसकी वजह से भगा रहे थे डोरा की वजह से, वो उसका लेटर आया कि वो आ ही नहीं रही है, कुछ टाइम बाद आएंगी। तो ये थी स्टोरी, कैसी रही, कैसे समझ आई मुझे जल्दी से बताइएगा। बुक एक्सरसाइजेस के साथ मिलती हूँ, बाय।